अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आज मैं मौजूद हूँ खैरपुर मीरठ डिस्ट्रिक्ट के तालुका करूनी में और मैं आपको यहाँ पर आलीशान प्लेस का विजिट करवाऊंगी, तो मेरे साथ यूं ही कनेक्ट रहिएगा। फैजगंज तालुका का करूंडी सब्ज चरागो बागात और सबसे बढ़कर मशहूर हाजी अलादा राजपुर के नाम से 1950 में तैयार करदा शालीमार गार्डन, जो कि फूल पार्क के नाम से मशहूर है। आज मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ इसका नाम फूल बाग है, जो कि बिल्कुल शालीमार गार्डन लाहौर की तरह दिखाया गया है। फूल बाग में बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा रूम भी बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के कारीगरों ने कितनी खूबसूरती से काशीगिरी की गई है। हर दीवार एक खूबसूरत सा लुक दे रही है। इस रूम में बैठकर आप पूरे फूल बाग का नज़ारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मिरर बनाए गए हैं, आप देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है। काशीगिरी की क्या बात है, हर जगह आपको एक खूबसूरत सी डिज़ाइन नज़र आएगी। बहुत खूबसूरत से रंग बिरंगी फूल नज़र आ रहे हैं। फूलों को देख के मुझे एक पोएट्री याद आ गई, मैं लव सोच सोच कर थक सी गई, मैं लव सोच सोच के थक सी गई, वो फूल दे के बात का इजहार कर गया। यहाँ पर शालीमार गार्डन की तरह बहुत खूबसूरत से आबशार भी बनाए गए हैं। जब ये चलते हैं तो बहुत खूबसूरत से मनाजर नज़र आता है। ये आप देखिए कितना प्यारा सा बनाया गया है। मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन सेरा में लगे पेड़ को पानी देगा। यहाँ पर आप देखिए कितने जबरदस्त से दरख्त भी लगे हुए हैं। यहाँ पर नारियल और इसके अलावा और कई दरख्त भी मौजूद हैं। फूल बाग को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन सबको इंसानी मिजाज और मुख्तलिफ मौसमों और मौसमी तब्दीलियों में इसकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। मिसाल तौर पर बाग में गर्मी, सर्दी, पहाड़ और खिजा के मौसम में बैठने के लिए चार मुख्तलिफ दीवारें हैं। इसके अलावा बारिश के दिनों में लज़त हासिल करने के लिए बैठने के लिए एक और दीवारें, और सबसे बढ़कर यहाँ पर एक खूबसूरत सी पब्लिक लाइब्रेरी भी है, ये आप देख सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पर आप जो है स्टडी कर सकते हैं। इस बाग की एक और खसूसियात भी मौजूद है कि यहाँ पर गुलाब के 666 अकसाम मौजूद है, जो कि महरूम अलादा राजपुर, जो कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक नामवर जमींदार थे, जिसने यहाँ पर फूलों के डिफरेंट अकसाम यहाँ पर लगाए। हम
हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर। लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं। हर एक रूम को खूबसूरत सी काशीगिरी से सजाया गया है, क्या बात है। कहा जाता है कि महरू मल्हादार राजपूत ने अपने दोस्त के मशवरे पर लाहौर की शालीमार गार्डन की नकल तैयार करवाई। इस काम को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद इस काम पर लगाई गई थी, जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोग राजपूत नस्ल के थे। आपको मैं घर बैठी कितनी ज़बरदस्ती पॉइंट्स आपको विजिट करवाती हूँ, सो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इवन वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशंस विद विजिट आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगी, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। अलादा राजपूत का तालीमी याफ्ता और बड़े आदमियों से शनासाई थी, जिनका ख़ानदानी पस मंज़र था। 1967 में इनकी वफ़ात की तारीख तक इनका पाक दिन रात सरगर्मियों का मरकज़ हुआ करता था। मुल्क भर से लोगों की एक एक कशा इस पाक का दौरा करती थी। कितना खूबसूरत सा एक बाग बना हुआ है, हम यहाँ पर बैठकर पूरे बाग का नज़ारा कर सकते हैं। काशीगिरी की क्या बात है, वाओ, दीवारें देखिए कितनी खूबसूरत से इन्होंने सजाई हुई है। कितना दिलकश नजारा है इस रूहे जमीन पे, कितना दिलकश नजारा है इस रूहे जमीन पे, मेरा चांद भी बैठा है उस चांद के इंतजार में। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना। लोग करते हैं इकरार लम्हों में भूल जाते हैं, लोग करते हैं इकरार लम्हों में भूल जाते हैं, मोहब्बत निभाते हुए फूल किताबों में सूख जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।